पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इम्पैक्ट गोल्ड डिटेक्टर की ट्रेनिंग करेंगे। इम्पैक्ट गोल्ड डिटेक्टर इस्तेमाल करने में नहायत ही आसान है, अलबत्ता इसमें आपको ट्रेनिंग लाजमी रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस लाजमी रिक्वायर्ड है। आज की इस वीडियो में हम इम्पैक्ट गोल्ड डिटेक्टर की बेसिक सेटिंग करेंगे। बेसिक सेटिंग और एडवांस सेटिंग में क्या बात है कि बेसिक सेटिंग वो होती है जो कि नहायत ही ज़रूरी होती है, नहायत ही अहम होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर डिटेक्टर ऑपरेट नहीं हो सकता। और बाकी कुछ गैर ज़रूरी सेटिंग होती है, वो आप करें ना करें उससे डिटेक्टर की गहराई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिटेक्टर की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको तजर्बा लाजमी चाहिए होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी बेसिक सेटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके देखें, सबसे आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके मोड्स हैं, ठीक है। अब मोड इसमें 12 मोड्स हैं। 12 मोड में 2 नॉन मोशन हैं, 8 डिस्क्रिमिनेशन है, 2 ऑल मेटल हैं। मैं सबसे पहले आपको नॉन मोशन और मोशन डिटेक्टर में फ़र्क बता देता हूँ। नॉन मोशन मोड कौन सा होता है, मोशन मोड कौन सा होता है। आपने देखा होगा जो जब भी डिटेक्टर ऑपरेट होता है तो उसको मूव कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं, एक जगह रखा नहीं होता, उसको कहते हैं कि मोशन डिटेक्टर। मतलब आप मूव करेंगे तो टारगेट को डिटेक्ट करेंगे, अगर आप कॉइल को आगे मूव नहीं करेंगे तो टारगेट को डिटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा होता है नॉन मोशन, कि आप जस्ट चीज़ के ऊपर जस्ट कॉइल करें एकदम से वो बोलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है ऑल मेटल। ऑल मेटल का मतलब ये है कि वो सोना चांदी तांबे में फ़र्क नहीं करेगा। ये 3 किस्म के मेन कैटेगरीज हैं और इसको उन्होंने 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब वन बाय वन अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो बहुत डिटेल में हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तफसील में हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा जो पाकिस्तान की ज़मीन है, जो नॉर्मल जिस पर्पज़ के लिए डिटेक्टर है, वो आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह और जो आपका मकसद है वो अचीव हो जाए, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें मोड में देखते हैं। मोड में आप देखें, ये लो D12 मोड है, DY3 मोड है, DI4 मोड है, DI99 है, डीप है, STA डी है, GEND है, VLX1 है, VLX2 है। अब इनमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा DI2 मोड किया जाता है। मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं कि DI2 में मोड में क्या होता है कि 2 किस्म की आवाज़ें निकालेगा, लोहे के ऊपर अलग आवाज़, सोना चांदी तांबे के ऊपर अलग आवाज़। आपने इसमें से ये सिलेक्ट करना है। अब हम नीचे आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आप देखेंगे सबसे पहले गेन है। गेन का मतलब ये होता है जितनी ज़्यादा करेंगे इतनी ज़्यादा डिटेक्टर गहराई में करेगा, जितना कम करेंगे इतनी कम गहराई करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है, ये आप अगर देख रहे हो, इसके बाद रेड डिस्क आ रहा है, ये थ्रेश है, ये नहीं इसके ऊपर काम करता है, इस मोड के ऊपर ये वाला ऑप्शन नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद डिस्क है। डिस्क का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप लोहा बंद करना चाहें, हर चीज़ का अपना अपना नंबर है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कील है, 4-5 उसका नंबर आता है, आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10-12 तक जितने भी नंबर हैं उसके ऊपर वो डिटेक्टर ना बोले, ठीक है। आप डिस्क में 12 सेट कर लेंगे, 1 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर डिटेक्टर नहीं बोलेगा। अब ऐसा होता है कि टारगेट आईडी की मैं डेफिनेशन बता दूं, ये नंबर होता क्या है, सोने का अपना नंबर है, चांदी का अपना नंबर है, तांबे का अपना नंबर है, लोहा है उसका अपना नंबर है, सोना चांदी मिक्स है उसका अपना नंबर है, इवन सोने के आगे जो कैरेट होते हैं 21 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, जो कैरेट होगा उस हिसाब से भी उसका अपना अपना नंबर है। इसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार यही है कि जब आप डिटेक्टर खरीद लें तो आप अपने घर में सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, लोहे के ऊपर हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट करें, ठीक है। उसके आगे से गुजारेंगे तो इसमें आगे आईडी दिखा देगा और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा काम करते हुए कि यार ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे थे गेन के ऊपर, जितनी ज़्यादा करेंगे इतनी गहराई करेंगे। उसके बाद अभी हमने डिस्क की बात की और उसके बाद मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन आपसे रेलिवेंट हैं, जो आपके काम के हैं, मैं सिर्फ अभी आपको उसी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ट्रैकिंग है, ये आप ट्रैक ऑन करेंगे, ऑफ़ करें, इसमें आप इसको ऑफ रखें, ठीक है। और ब्राइटनेस है, ये स्क्रीन की ब्राइटनेस है, ये देखें, ये इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है, ये वाइब्रेशन है। ऑन करेंगे जैसे ही आप इसके आगे डिटेक्टर, आप कोई भी ये टारगेट को डिटेक्ट करेगा, सोना चांदी तांबा कोई भी मेटल को डिटेक्ट करेगा तो एकदम से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ये इधर से आप इसको बंद कर देंगे, 0-0 करके बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है लाइट। अगर लाइट की तरफ जाते हैं, अगर आप ये लाइट के फीचर की तरफ जाते हैं तो लाइट अगर आप
इसके नीचे एक फ्लैश लाइट लगी है, अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप एक वक्त में दो तीन डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं और एक डिटेक्टर के सिग्नल से दूसरा डिटेक्टर आपको शोर कर रहा है, तो इसलिए उसको स्टेबल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और अगर बिजली की तारें हैं तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपकी बेसिक सेटिंग में नहीं आता, ये आपके एडवांस सेटिंग में आता है। ठीक है, और ये अब आ गया है फैक्ट्री डिफॉल्ट और सेटिंग सेफ। ठीक है, अगर इसमें आपको लगे कि यार मेरी डिटेक्टर की सेटिंग चेंज हो चुकी है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिस तरह बिल्कुल नया डिटेक्टर आया था उसी तरह की सेटिंग हो जाए, तो ये इसमें आप फैक्ट्री डिफॉल्ट करके ये बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी, जिस तरह के कंपनी की तरफ से डिटेक्टर आया था उस तरह की सेटिंग हो जाएगी। और अगर ये सेव आप करेंगे, सेव का अगर ये बटन दबा के आप ये बटन दबाएंगे, तो ये जितनी आपने अभी ऊपर सेटिंग की है वो सारी इसमें सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाकी जो अगर इस मोड में जो आपका ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर एक्सपर्ट मोड में जाना है तो आप ये वाला बटन दबाएंगे तो आप एक्सपर्ट मोड तक एक्सेस कर लेंगे। लेकिन इसमें एक्सपर्ट मोड में सिर्फ जो आपके काम की जो चीज़ है, ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है, तो इसके अंदर तीन फ्रिक्वेंसीज हैं, 5 kHz, 20 kHz, 14 kHz। मैं अब आपको बता देता हूँ इन फ्रिक्वेंसीज का मतलब क्या होता है। 5 kHz का मतलब ये होता है कि ये डिटेक्टर ज़्यादा गहराई में करेगा और बड़ी चीज़ें टारगेट करेगा। 14 kHz का मतलब ये होता है कि दरमियानी छोटी बड़ी सब चीज़ें करेगा, दरमियानी मोड है। 20 kHz का मतलब ये होता है कि इसकी गहराई तो कम हो जाएगी लेकिन छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ये इसकी सारी सेटिंग है। और बाकी अगर आप देख सकें स्क्रीन के ऊपर, ये अगर ये बैटरी का निशान है, ये इसकी मिनरलाइजेशन है, ये ग्राउंड बैलेंस है। अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में बाहर और आपको बताऊंगा कि इसका ग्राउंड बैलेंस कैसे करते हैं। बाकी ये तमाम सेटिंग्स आपके सामने हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे दोबारा जिक्र किया, मैंने जितनी आपको सेटिंग बताई है ये बेसिक सेटिंग है, ताकि जो आपका मकसद है, जो आपका काम है, वो इससे अचीव हो जाएगा। अगर इसके आप वन बाय वन हर मोड की डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत डिटेल में होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको डिटेल में इंशाल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपको मैं सेटिंग बता रहा हूँ, इसी में ही आपके जो मकसद है वो अचीव हो जाएगा। अब जो ट्रेनिंग का लास्ट सेशन है, जिसमें हम ग्राउंड बैलेंस, पिन पॉइंटर और डेप्थ इंडिकेटर, ये तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड बैलेंस की तरफ चलते हैं। ग्राउंड बैलेंस करने से पहले मैं ग्राउंड बैलेंस के आपको लॉजिक बता देता हूँ। ग्राउंड बैलेंस चीज़ क्या है, इसका काम क्या है। ऐसा होता है कि जो ज़मीन के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन होती है उसको कैंसिल करने के लिए ग्राउंड बैलेंस किया जाता है। अगर मैं दूसरे अल्फाजों में या आसान अल्फाजों में कहूँ, ज़मीन को और डिटेक्टर को आपस में दोनों को कंपेटेबल बनाने के लिए ग्राउंड बैलेंस किया जाता है। ग्राउंड बैलेंस दो किस्म के होते हैं, एक ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस होता है, एक मैनुअल ग्राउंड बैलेंस होता है। जो ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर जो मैनुअल ग्राउंड बैलेंस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो सिर्फ एक्सपर्ट्स या जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ही कर सकते हैं, आम आदमी उसको नहीं कर सकता। तो मैं आपको ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस करने का तरीका बता देता हूँ। आप ये देखेंगे, ये डिटेक्टर के नीचे एक ट्रिगर लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रिगर आगे भी होता है, पीछे भी होता है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ग्राउंड बैलेंस का तरीकेकार, जो सारी पहले सेटिंग करनी है, ग्राउंड बैलेंस सबसे लास्ट में करना है आपने। ठीक है, ग्राउंड बैलेंस का देखेंगे, ट्रिगर को आपने होल्ड करना है, आगे की तरफ ज़मीन की तरफ दबाना है और इसको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, और छोड़ना नहीं है, आप ये देखेंगे 1 इंच से 6 इंच तक या 4 इंच तक ये पंप करेंगे आप। ठीक है, और आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। ये अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और ये स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब जहां पे भी आप थोड़ा करेंगे, 2-3 दफा ग्राउंड बैलेंस करें और वैल्यूज सारी तकरीबन सेम सेम आ रही है। ये 38 आ रहा है, ये 37 आ रहा है, ये 39 आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पास पास ग्राउंड बैलेंस आ रहा है। 3-4 दफ़ा करें जो वैल्यूज़ सेम है, तो इसका मतलब आपका ग्राउंड बैलेंस ठीक है। ठीक है, ग्राउंड बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट जो मैं आपके साथ बताऊंगा, ये ट्रिगर पीछे की तरफ करेंगे तो क्या काम करेगा। जब ये ट्रिगर आप बैक पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये दो काम करेगा, एक तो पिन पॉइंटर करेगा, पिन पॉइंट एज ए पिन पॉइंट वर्क करेगा, और दूसरा जो है वो आपको गहराई भी बताएगा। ठीक है, गहराई कैसे बताता है, आपको स्क्रीन के ऊपर इंचेस में बताएगा। तो जो टारगेट है जमीन आपकी कॉइल से, वो 2 इंच के ऊपर है, 3 इंच के ऊपर है, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, कितना गहराई है उसके टारगेट की। ये ट्रिगर को खींचने की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे तो ये करेगा। साथ आपको ये भी बताएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब एग्जैक्ट लोकेशन का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता ऐसा है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप, क्योंकि ये मोशन डिटेक्टर है, आप
घुमाएंगे तो वो डिटेक्ट करेगा, अगर आप चीज़ के ऊपर यूं रख के चेक करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि इसको आप यूं घुमाएंगे, ठीक है, अब जहाँ पे भी आपको टारगेट नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ पे भी टारगेट आपको साउंड करेगा, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि आपको पता तो चल जाएगा कि इस एरिया में है, लेकिन आपने खुदाई इधर से करनी है, इधर से करनी है, इधर से करनी है, किस जगह से करनी है, उसके लिए ये जो पीछे ट्रिगर है आप यूँ पीछे खींचेंगे आपको एग्जैक्ट बता देगा, अच्छा है बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर, और एकदम से डिटेक्टर साउंड करेगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ग्राउंड बैलेंस का भी बारे में भी बता दिया है, पिन पॉइंटिंग के बारे में भी बता दिया है, डेप्थ इंडिकेटर के बारे में बता दिया है। और सबसे लास्ट में हम चलते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑपरेट कैसे करना है, और जो आपकी क्वाइल होनी चाहिए और जो ज़मीन होनी चाहिए इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो लोग मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग यूं करके इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत तरीका गलत है, और ऊपर करके यूं करते हैं, इसका जो तरीकेकार है वो आप तक इसको अपनी हाइट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, और यूं करके आप इसको पास करके यूं आप करके इसको ऑपरेट करेंगे, ये पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई टारगेट आएगा एकदम से वो डिटेक्ट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।